और अभी आपको ये अहम खबर दे रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म का 300 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज खत्म करने का ऐलान। 300 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज खत्म करने का ऐलान वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का 300 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज खत्म करने का ऐलान, ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 300 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज खत्म करने का ऐलान, ये अहम खबर है। 300 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज खत्म करने का ऐलान किया गया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 300 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज खत्म करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह ऐलान किया है 300 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज खत्म करने का। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये ऐलान किया है, अहम ऐलान जिससे आपको अपडेट करें। इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवामी दबाव के सामने घुटने टेक दिए और 300 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज ख़त्म करने का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये ऐलान किया है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवामी दबाव के सामने घुटने टेके और ये ऐलान किया, जिसके इस वक्त हम आपको बता रहे हैं 300 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज ख़त्म करने का ऐलान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किया है। अहम अपडेट जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 300 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवामी दबाव के सामने घुटने टेक दिए और ये अहम ऐलान जो वज़ीर-ए-आज़म ने किया इससे आपको आगाह कर रहे हैं। और दूसरी जानब आप सरगोधा से बराह रास्त मनाजिर भी देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से।